तेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है और जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुला। अभी हो गए तैयार, अभी निकल गए अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ जिंदगी में, और बहुत मीन्स अंदर बहुत सारे लेके जा रहा हूँ। अभी सबके लिए दुआ भी करना है क्योंकि सबने मुझे बोले दुआ में भी याद रखना। फिर अभी ये होटल है हमारा, होटल से भी निकल गए। अभी जिन दूर से गए अभी हम लोग पैदल जाते हैं, और जो मेरा कैमरा मैन है थैंक यू सो मच मेरे लिए कर रहे। हम लोग पहले सबसे पहले मेडिकल ढूंढते हैं। एक्चुअली कल रात में क्या हुआ, हम लोग आए थे टेम्पो के पास से तो अंकल के पैर पे थोड़ा लग गया, तो अभी मेडिकल ढूंढ के फटाफट उनके लिए पहले दवा ले लेते और इसके बाद चलते। उनके पैर पे थोड़ा लग गया तो अभी निकलते हैं दरगाह के लिए। याहू मज़ा आ रहा है यार, इधर बहुत मज़ा आ रहा है। आ गए अजमेर शरीफ के रोड पे और जैसे तो बहुत सारी दुकान है, जा रहे हैं हम अजमेर शरीफ के। मैं बहुत एक्साइटेड जा रहा हूँ, बहुत फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अभी देख सकते हैं आप सब जा रहे हैं। सो मैं जैसा दिख रहा हूँ, मेरी आउटफिट बताना, मैं उधर चेक कराने वाला था बट इधर देखते दिख रहे कहीं, सो मेरा आउटफिट पे भी लिख दे रहा हूँ। और माशाल्लाह मैंने जुबा पहनो तो फिर अभी देखते हैं। अभी नवी टोपी ले लिए अजमेर में, क्या याद भी लिए, और ये तो मेरी मौलाना वाली टोपी पहले से थी, एक अजमेर की याद के लिए खड़े। और अंकल ये जो मेरे हैं वो देखो कुछ सामान ले रहे हैं। इतना आई थिंक ये बोले हमारे आंटी की शॉपिंग चालू हो गई, इधर के लिए काम आता है। हमारे आंटी खर्चे करना चालू कर दिए, हमारे लिए खर्चा चालू कर दिया। अभी देखते हैं आगे तक कितना खर्चा है। ये बोला ये सब मसाज की मशीनें ले रहे ना, क्या लो मैं सभी खड़े हो गए शॉल लेने के लिए। पहले ज़ियारत करके आते फिर शॉपिंग करते। सबको शॉपिंग करना लगता है, जितने भी मेरे साथ है सबको शॉपिंग करना है। खाली एक जो शॉपिंग नहीं करता, चलिए एक टाइम आता सब शॉपिंग करते हैं। देखते हैं अभी सब जा रहे हैं तैयार होके अभी दरगाह के लिए। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। जाते फिर दरगाह में इंशाल्लाह निकालने देगी तो निकालते। आंटी का तीसरी शॉपिंग, तीसरी है ना, सबसे पहले टोपी अच्छा आंटी को तस्दी लेना। आ गए हैं अंदर, नाश्ता करते हैं फिर इधर से निकलते हैं। सो मैं दिख रहा है कैसा, एक्चुअली व्हाइट लाइट है तो अच्छा दिख रहा रहेगा, बट देखते मेरे कैसे दिख रहा हूँ। मैं दूसरे को बोलूँगा फिर मेरा आउटफिट बनता। सब मुझे देख रहे भाई ये ब्लॉगिंग करते हैं आई थिंक। सो अभी सब उधर बैठे चलते हुए। अभी असलम भाई ने दे दिए नाश्ते का ऑर्डर, या मेरी मिस कुछ बोलना चाहिए मेरे ब्लॉग में। छोले भटूरे नाश्ता आएगा उसके बाद ऑर्डर दे रहे। आप लोग क्या ले लो, एक प्लेट ढोकला दे दो, समोसा और पान कचौली कचौली समोसा दो समोसे दे दो, एक कचौली दो समोसे एक ढोकला एक ढोकला पूरी भाजी एक ढोकला। कचौली समोसे में कड़ी चटनी सब डालना है, सभी नाश्ता तो आ गया। नहीं खाओ आपका, ये शारिक भाई भी खा रहा, आप तो लेना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे सब आ रहा, और ये आंटी लोग टूट पड़े, ये जरा एनर्जी बचा रहे एक साथ भाई, ये जरा एनर्जी बचा रहे। ये सदमे में चले गए बेचारी, कोई बात नहीं कितने सब्सक्राइबर है 257 views।
रजाली भाई मैं इधर आया था होटल में। होटल से हम लोग जैसे निकले वैसे खाने के लिए गए सुबह से, आज ऐसा नहीं कि मुझे बच्चे मिल गए बहुत टैलेंटेड जो मेरी तरह ब्लॉग में आई अप्रिशिएट दिस गर्ल। हेलो हाउ आर यू अब जाके मैं सबसे पहले ब्लॉग समीरा का देखूंगा। सबसे पहले आई डी है, फर्स्ट ब्लॉग ऊपर है, आप जाना देखना लाइक। खा भी के पूरा थोड़ा पेट भी टाइट कर गया, और इधर एक बच्ची का प्रमोशन भी हो गया, बहुत अच्छी बात है, बच्ची भी मुझे मिलती है माशाल्लाह। उसके ब्लॉग भी देखता हूँ मैं जाके। तो अभी एंट्री का गेट आ चुका है, अभी एंटर होने वाला है थोड़े से। पुष्कर पुष्कर सामने वाली गली से नहीं आया, लेफ्ट से आया, इसलिए इधर है। अभी देखते हैं सामने से नहीं दिखेगा। जन्नत होटल, जन्नत होटल है, जन्नत होटल इधर की तरफ होगा। माशाल्लाह ये है गेट, मेन गली, मेन गली। हाय हाय माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, जूता भी फटाफट उतारते चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस यही जगह आना था। मेरे दोस्त थे मेरे, अंदर जाते हुए देखे जैसे ये एंट्री है इधर की। हाथ में जूता ले लिए, फटाफट चलते बाबा जान के पास। अंदर नहीं जाना है, फुल बिल पूरा तो है। ये पकड़ो तो भाभी ब्लॉग लेनी है, चप्पल रखते हैं चप्पल रखो। अल्लाह जिसको देखने की ख्वाहिश थी, खाजा गरीब नवाज। अभी तुम लोग पढ़ना पड़ेगा क्या जा रहा हो ना, शॉपिंग करने वाले सब है। बच्चे बुला लेता हूँ, तो अभी इधर चला डिस्कशन क्या है क्या करना है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बस जाने बस जाने ये ले लो, ये रख दो। गुलाब गिरा हाँ, उसको मत डालना। हाँ ठंडी है इधर भाई, ठंडी है, ठंडी है इधर। वजू हो गए, चाची अच्छा चाची है, चाची पीछे से बराबर देखते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माशाल्लाह यार फर्स्ट टाइम आया, उतनी खुशी उतनी एक्साइटमेंट है ना, जिंदगी में पहली बार आया, वो भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। खुश नसीब हुआ यार, मैं बहुत बड़ा खुश नसीब है जो मुझे इधर आने मिला, वो भी राजा जी का बुलावा। आए है वाशिफा, वाशिफा ने भी ले लिया है, धीरे धीरे सब ले गया, और आगे से इंशाल्लाह मैं लूँगा तो देखते हैं। अभी चादर लेके, अभी चादर चढ़ाते, जन्नत का दरवाजा है बोल। इधर और इधर की झाड़ू देखो भाई, इतनी बड़ी झाड़ू तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इतनी बड़ी झाड़ू मैंने जिंदगी में। राजा जी की बात, राजा जी की शान ही तो मेरा है, पीछे का बैठा।
वेट कर रहे थे हजरत का, तो हजरत आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो ये हजरत है जो हमें पूरी जियारत कराने वाले और हैं। और मेरी वीडियो में आप कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, गरीब नवाज की बारगाह के अंदर गरीब नवाज जब तक अपने दरबार में किसी को तलब नहीं करते हैं, किसी को बुलाते नहीं ना, तो वो आता नहीं। और गरीब नवाज किसी को अपनी बारगाह में बुलाते हैं तो कुछ नवाजने के लिए, कुछ अता करने के लिए बुलाते हैं। ये नायबुल नबी का दरबार, गरीब नवाज की बारगाह में कोई बेमतलब नहीं आता। यहाँ पे रसूल अल्लाह का खजाना बढ़ता है, ये नायबुल नबी का दरबार। और गरीब नवाज अपनी बारगाह में किसी को तलब करते हैं तो कुछ नवाजने के लिए और कुछ अता करने के लिए बुलाते हैं। अब यकीनन मेरी तकदीर सवर जाएगी, जिनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। इंशाल्लाह गरीब नवाज ने बुलाया है और आप कामयाबी के साथ ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हो गए। और दोबारा जब गरीब नवाज के दरबार में आओगे तो ख्वाजा साहब आपको खुशी होगी। इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आगे जी की बारगाह में जाते सही में ख्वाजा तेरी बस्ती में रहमत बरसती। हजरत मोबाइल बंद करो। इधर कवाली चालू हो गई और मैं आज बहुत खुश हूँ, बिकॉज आज मैं आपको अभी जाके बता दूँ कि हम लोग ने क्या किए। क्या आए तो जो ख्वाजा जी की तिजोरी की चाबी है माशाल्लाह वो मेरे ऊपर रखे, और उधर से मुझे सर पे वो सांप की तरह वो उसके बाल थे वो भी बांधे। बहुत अच्छा लगा अंदर ख्वाजा जी की। मैंने मज़ार का नहीं लिया क्योंकि एक्चुअली इधर बहुत गर्दी थी और बहुत फ़ोन्स अलाउड नहीं थे समथिंग करके, दैट्स व्हाई मैंने लिया नहीं। बट आई स्वेयर यार मेरे को शाम का ये नज़ारा देखने का इतना दिल खुश है ना आज। मैं ख्वाजा तेरी बस्ती में रहमत बरसी सच रियल हकीकत बात है, आई स्वेयर। और नमाज भी पढ़ ली माशाल्लाह, बहुत बहुत खुशी मेरे सच्चे दिल से और बहुत खुशी। इंशाल्लाह बस ख्वाजा जी नवाज दे। मेरी बिगड़ी बात बना दो, मेरी किस्मत को चमका दो ख्वाजा जी। बहुत शिद्दत से आया उधर, खाली दुआ है कि नसीब चमक जाए। आई थिंक इधर कोई बड़ी हस्ती आई है इंशाल्लाह, एक दिन हमारे पास भी कोई सिक्योरिटी लेके एंट्री आएगी इंशाल्लाह। करते हैं और मैं तो वजू करके आया था, डेट्स वाई किया नहीं, बट अभी इंशाल्लाह करेंगे मगरिब में। आज दिन भर इधर रुकेंगे इंशाल्लाह, कल निकलेंगे। ये जो बर्तन बनता है वेजिटेबल पुलाव का, जिसमें 100 आदमी खाते हैं 3000 रुपये, जिसमें तहरी की देख बोलता है उसे वेजिटेबल पुलाव, जिसमें 100 आदमी खाते हैं नहीं, दरबार के अंदर ही बिठाएंगे। इस दौर में आया ना, वो दौर में इंशाल्लाह आप लोग भी खाना। छोटी रेंज में चलो अंकल, ऐसा करो अगला बात करो आज के जालिम। ढाई दिन की झोपड़ी।